के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बीसीसीआई से निकलने के बाद अपने ताजा बयान से हर किसी को हैरान कर दिया। बीसीसीआई चुनाव को लेकर ड्रामा और सस्पेंस खत्म हो चुका है और ये भी तय है कि सौरव गांगुली का बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष कार्यकाल खत्म हो गया है। बीसीसीआई में सौरव गांगुली को कोई सपोर्ट नहीं मिला और उन्होंने एक निराशाजनक स्तर पर अपना कार्यकाल समाप्त किया। रिपोर्ट्स की माने तो सौरव गांगुली इस पद पर बने रहना चाहते थे। बीसीसीआई से निकलने के बाद पहली बार भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने मीडिया में आकर कहा, मैं 5 साल तक क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी कि सीएबी का अध्यक्ष रहा, फिर मैं 3 साल तक बीसीसीआई का अध्यक्ष भी रहा। इन सभी जिम्मेदारियों को संभालने के बाद मुझे जाना होगा और अब मैं कुछ और करूंगा। एक क्रिकेटर के रूप में आपके सामने चुनौती बहुत बड़ी होती है और एक प्रशासक के रूप में आपको इतना ही बड़ा योगदान भी देना होता है। एक लीडर के तौर पर आप करियर बनाते हैं और टीम बनाते हैं। सौरव गांगुली ने आगे कहा, आपको टीम के लिए चीजों को बेहतर बनाना होगा। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं लंबे समय तक खेलता रहा और उसमें मुझे बहुत मजा आया। एक प्रशासक के रूप में मैं कुछ यादगार और महान पलों का हिस्सा बना। आप हमेशा के लिए नहीं खेल सकते और आप हमेशा के लिए प्रशासक भी नहीं रह सकते। बता दें कि सौरव गांगुली के इस बयान में दर्द और निराशा साफ नजर आ रही है। सौरव गांगुली के पद से हटने के बाद भारत के पूर्व ऑलराउंडर रॉजर बिन्नी ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और उनके निर्विरोध चुने जाने की भी संभावना है। खबरों की माने तो प्रतिद्वंदी ब्रांड के प्रचार की वजह से बोर्ड के प्रायोजक गांगुली से खुश नहीं थे। इस मामले पर सदस्यों के बीच कई बार चर्चा हो चुकी है। जय शाह और बोर्ड सदस्यों ने उन्हें आईपीएल चेयरमैन का पद भी ऑफर किया था, जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया। सूत्रों का ये भी कहना है कि जय शाह और बीसीसीआई ने गांगुली को आईसीसी चेयरमैनशिप का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स। We'll be right back.